नौगांव एसडीएम जो है वे एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। एसडीएम जो है वे अक्सर निकर परत है क्षेत्र को दौरा करवे के लाने और जितों ने लापरवाही गड़बड़ी मिलत है तो उतई वे रुकत है और दिशा निर्देश दे देते हैं दुरुस्त करवे के व्यवस्थाओं के। हाल ही में एसडीएम एक बार फिर से अपनी मोटरसाइकिल पे सवार होकर पहुंच गए सीधे बाजार और जौन व्यापारियों ने अनलॉक वन को जो नियम है और जो नियम इतने है छतरपुर नौगांव में उन नियम की अवहेलना करी तो इतने कछू की दुकान बंद भी कराई गई, कछू के चालान भी काटे गए। एसडीएम पहुंचे थे बाजार में और इतने जिन व्यापारियों ने शाम 7 बजे के बाद भी दुकानें खोल के रखी थी उन दुकानदारों के चालान काटे गए और कछू की दुकानें सील भी कर दी गई। 5 दुकानदारों के चालक जो है चालान काट दिए गए और 2 दुकानों को सील कर दो गए। इससे पहले 2 बेर एसडीएम ने व्यापारियों को अनलॉक वन को सही तरीके से पालन करवे को आग्रह करो तो लेकिन व्यापारी जो है वे अनलॉक वन को पालन नहीं कर रहे थे ठीक प्रकार से और यही वजह से उन पे जा कार्रवाई भाई। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से छतरपुर कलेक्टर जो है उनने सवेरे 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलवे के आदेश दिए हैं। कलेक्टर महोदय के यहाँ विवाद था, यहाँ काफी भीड़ देखी गई, उनके निर्देश प्राप्त हुए। यहाँ पर हम एसडीओपी साहब, तहसीलदार, नगर पालिका टीम इत्यादि लोगों ने जाके मौके पर देखा तो 7 बजे का समय जो निर्धारित था उसके बाद दुकान खुली थी और मास्क नहीं लगाए थे उनको दुकान सील करने की कार्रवाई की गई। मार्केट की दुकानें 7 बजे बंद होना निश्चित था, जो दुकानों का खुला होना नियम का पालन न करना उसमें अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानें सील की गई हैं, कुछ में चालान किया गया है। एसडीएम साहब महोदय साथ में थे,